DaVIP TV. सच आपके सामने. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी में. दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अपना पहला मैच में साउथ अफ्रीका को हराए तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें. दोस्तों, वर्ल्ड कप का शुरुआत हो चुका है और अब तक इस वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले गए हैं और कल शनिवार को 2 मुकाबले खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने शानदार खेल दिखाते हुए श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया. और दूसरा मुकाबला पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे अफगानिस्तान और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से हुआ. दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में सबसे कमजोर टीम मानी जा रही है, लेकिन अब तक की श्रीलंका और पाकिस्तान के प्रदर्शन को देखकर तो लगता है कि अफगानिस्तान को कमजोर समझना गलत है, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम 20 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो जा रही है और 150 रन भी नहीं बना पा रही है. दूसरी तरफ कल के मैच में अफगानिस्तान ने जिस हिसाब से 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से संघर्ष किया वो काबिले तारीफ है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने अफगानिस्तान ने 200 से ज्यादा रन बनाए. हालांकि इस मैच को ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान ने अच्छा ही खेला. आपको बता दें, इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 38.2 ओवर में 207 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद और हजरतुल्लाई जजाई ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अपना खाता भी नहीं खोल सके. अफगानिस्तान की तरफ से नजबुल्लाह ने मात्र 49 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 51 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रहमत शाह ने 43 और गुलबादीन नायब ने 31 रन बनाए. अंत में राशिद खान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 11 गेंदों में 2 चौके और 3 शानदार छक्कों की मदद से 27 रनों की आतिशी पारी खेली. जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की. एरन फिंच ने मात्र 49 गेंदों में 66 रन बनाए, तो वहीं एक साल के बैन के बाद पहला मैच खेल रहे डेविड वार्नर ने 86 रनों की टिकाऊ पारी खेली और ऑस्ट्रेलियाई को यह मैच आसानी के साथ 34.5 ओवर में 7 विकेट से जितवा दिया. बता दें, इस शानदार जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर नहीं पहुँच सकी, क्योंकि उनका नेट रन रेट वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से कम है. इस प्रकार ऑस्ट्रेलियाई टीम पॉइंट टेबल में 4th स्थान पर पहुंच गई. आपको बता दें, अभी वेस्ट इंडीज प्लस 5-8 रन रेट के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है, तो दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड पहुंच गई है और उनका रन रेट प्लस 5-7 है, तो तीसरे नंबर पर इंग्लैंड है जिनका रन रेट 2 प्लस है, और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जिनका रन रेट प्लस 1 है. दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और क्रिकेट की हर खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. धन्यवाद.